Good morning, guys. How are you? So it's day 7, I guess, of this 40 days journey, weight loss journey. और अभी हो रहे हैं 5:17. Let's have morning drink. दीपक जी अभी उठे नहीं है, उठाती हूँ. So let's पहले अपना morning drink पीते हैं, सब चलते हैं. Hi guys. तो अभी पी रही हूँ morning drink. हल्का सा ना घी वाटर लिया है. अगर कोई नितेश सोनी को फॉलो करता है तो वो जानता होगा. वो बोलते हैं तो मेरे को ड्राइनेस बहुत हो जाती है ना गले में, तो मैं ये पी रही हूँ. क्या पता गला थोड़ा ठीक रहे. सो गाइज, यहाँ पर मैं ड्रिंक वगैरह लेके अपनी मॉर्निंग ड्रिंक. अब शाम 6 o'clock हम पहुँच गए थे अपना पार्क. पार्क में मैंने स्टार्ट कर दी करनी अपनी वॉक. एक्चुअली बताऊँ तो मेरी अभी मेडिसिन वगैरह चल रही है ना अस्थमा वाली, तो उससे बहुत बढ़िया चल रहा है. दवाई खाकर बहुत बढ़िया लग रहा है, तो अभी थोड़े से एक्स्ट्रा राउंड्स ले पा रही हूँ. फिलहाल तो अभी स्टार्ट ही कर रही है, देखते कितने राउंड्स ले पाती हूँ मैं. लेकिन हाँ, वॉक कर पा रही हूँ धीरे धीरे ही, सही वॉक अच्छे से कर पा रही हूँ. Now it's time to. So I have completed my 5 rounds. हाँ दीपक जी, पर दीपक जी मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई दीपक जी साइड की. तुम 6:30 तक वॉक करो, हम 6 बजे शार्प आ जाते हैं पार्क में, तो 6:30 तक आधे घंटा वॉक करो. अब मेरी अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है. दीपक जी सेइंग की थोड़ा रुक रुक के करो, पर आधा घंटा सिर्फ वॉक वॉक करो. फिलहाल 6:20 तक मैंने 20 मिनट वॉक करी, 20 मिनट्स. एंड 20 मिनट्स में 5 राउंड लिया है, नहीं तो मतलब कि और 10 मिनट में 6-7 राउंड हो जाएंगे आधे घंटे में. 7 हो जाएंगे. चलिए अब लेट्स बिगिन अ कपाल अलोम विलोम कपाल पति. हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्क में स्ट्रेचिंग करके आएंगे और मम्मी अपना कपाल वपाल करेगी. So let's do it. ये लोग जा रहे हैं अब दूसरे साइड पर जहाँ दिव्या के झूले हैं. दिव्या भी हमारे साथ रनिंग कर लेती है. दिव्या आपसे ज्यादा कर लेते हैं. अरे मेरे से तो तुम सारे ही ज्यादा कर लेते हो. चलो. हेलो गाइस, सो मैं अभी आ चुकी हूँ अपनी किचन में. डायरेक्टली आपको किचन में ही मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाना था खाना ऑफिस जाने के लिए. तो बना पहले सबसे पहले कुकर में चढ़ाया है किनवा खिचड़ी बना रही हूँ मैं अपने लिए. मूंग दाल डाल के, तो हल्दी नमक डाल के मैंने चढ़ा दी उबलने के लिए खिचड़ी. यहाँ मैंने काटी भिंडी मैंने रात को काट के नहीं रखी थी, इसलिए सुबह काटी पहले. और एक सूती कपड़े को बिछा के उसे थोड़ा सा सुखा लिया, पोंछ लिया. अब छौंक लेते हैं भिंडी. तो हींग डाली मैंने, जीरा डाला इसको छौंकने के लिए. भिंडी में जितनी भिंडी हो उतनी क्वांटिटी में प्याज रखो तो अच्छा लगता है. मैंने यहाँ प्याज और हरी मिर्च सिलेक्ट करके डाल दी थी. प्याज को अच्छा सा भून लेंगे. जब प्याज भून जाएगा अच्छे से तो हम डाल देंगे इसमें अपनी भिंडी. चलिए यहाँ पर पहले प्याज को भूनने देते हैं, अच्छे से गुलाबी होने देते हैं. तब तक देख लेते हैं अपनी किनवा खिचड़ी कैसी बनी है. तो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको. किनवा मेरा बहुत बढ़िया बना था. क्लास फिलहाल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये मैंने इसमें प्याज टमाटर का तड़का लगाया था और ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ खिचड़ी. आप देख ही सकते हो बिल्कुल
नॉर्मल दलिया की खिचड़ी हो या किनवा खिचड़ी, फर्क नहीं पता चलेगा आपको। और मैंने ये काफ़ी सारी बना के रख ली थी। चलिए अब यहाँ पर भिंडी छोड़ लेते हैं। प्याज जैसे ही मेरे भून गए मैंने यहाँ पर डाल दी भिंडी। अब चलिए भिंडी को अच्छे से भून लेते हैं। एक तरफ मैंने चढ़ाई अपने लिए सबके लिए दाल, क्योंकि मैं लंच में किनवा खिचड़ी जाऊँगी लेकिन बाकी सब लंच में खाएंगे दाल और भिंडी की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पर मैंने काली मसूर की दाल चढ़ा ली है, नमक हल्दी डाल के इसको भी उबलने के लिए चढ़ा दिया। अब डाल लेते हैं साथ ही साथ भिंडी में मसाले। तो भिंडी में जो मसाले जाएंगे वो बेसिक 3-4-5 मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। धनिया मेरे पास खत्म हो गया था अभी मसालेदानी में, तो मैंने वापस से इसको निकाला और भरा और फिर डाला अपनी भिंडी में। इसे अच्छे से मैंने इसको चला दिया। इसको चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा ना अमचूर का पाउडर डाल देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है भिंडी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अमचूर का पाउडर डाला और अच्छे से भून के चला के इसको ढक के रख छोड़ दिया जब 5-7 मिनट के लिए। वैसे भिंडी को ज़्यादा देर नहीं ढकना चाहिए क्योंकि वो अकेली खिली नहीं बनेगी अदरवाइज। फिर यहाँ पर मैंने बनाया सबके लिए अपना स्मूदी। आजकल मेरे यहाँ स्मूदी बहुत पी जाती है, तो यहाँ पर पहले दीपक जी के लिए बनाया स्मूदी और उसके बाद बनाई मैंने अपने लिए स्मूदी। जो ये जो दीपक जी का बन रहा है जिसमें चीनी जा रही है, ये दीपक जी का है। जो मैंने अपनी बनाई सेम तरीके से बनाई है, बस दूध की जगह पर स्केम मिल यूज़ किया और चीनी यूज़ ही नहीं करी, सिर्फ केला, दूध और सत्तू को मिक्स करके मैंने अपने लिए स्मूदी बना ली। तो ये वाली तैयार हो गई है दीपक जी की, दिव्या की और मम्मी की। और अब मैंने तैयार करी फिर अपनी। अपनी मैंने जैसे तैयार करी वो मैंने आपको बताया ही। सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट इसके जब जाएंगे, केला, सत्तू का पाउडर और दूध। नो चीनी, नथिंग एट। आप काजू डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो, पर तीनों ही चीज़ें मेरे पास नहीं थी तो मैंने फीकी फीकी शेक पिया, पर अच्छा था। केले का जो अपना नेचुरल मिठास थी वो थी। केला भी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करना, एक ही केला यूज़ किया है। तो मैंने अपने लिए जो यूज़ किया, देखो सिर्फ एक केला यूज़ किया था, बाकी बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक केले से मैंने अपनी स्मूदी बना के तैयार कर ली थी। देख लीजिए जी, ये है मेरी स्मूदी। थोड़ी लिक्विड फॉर्म में बनेगी, एक ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी लेकिन ये बहुत अच्छी बनेगी। चलिए मीनवाइल मैं देख लेती हूँ अपनी भिंडी। और अब मेरी भिंडी भी इतनी देर में सबके लिए बनके तैयार है, बहुत बढ़िया बनके तैयार है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी लसलस नहीं हुई, ज़्यादा मिली नहीं है, अच्छी बनी है। अब इसको 2-3 मिनट तक मैं फुल आँच पे सीमी तरीके से चढ़ा दूंगी, क्योंकि भिंडी तो गल चुकी है। अब तेज आँच पे इसको भूनेंगे, भिंडी जितनी अच्छी भूनेगी और हल्के हाथ से भूनेगी, जितनी हल्के हाथ से भून लेंगे उतना अच्छा है। और 2-3 मिनट इसको बनाने के बाद, भिंडी भुनने के बाद मेरी भिंडी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। मीनवाइल हम आप देखते हैं हमारी दाल, काली मसूर की दाल। जब मैंने दाल देखी थी यार, इसमें थोड़ी सी ना कसर बाकी थी क्योंकि दाल तब तक बनी नहीं थी। और जब मैंने बाद में इसमें 2-4 सीटी और लगा थी तो समझ लो कि वो हल्की सी लग गई थी दाल, लेकिन इट्स ओके, वो मेरे से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन अभी ठीक है। दाल बस उसके बाद मैंने उसको ठीक कर दी थी। फिलहाल जब दाल बनाई तब ठीक थी। अभी जो आप देख रहे हो ना इस टाइम पे बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल दिख रही है, इसका मतलब ये गली नहीं थी। इसके बाद मैंने दोबारा इसमें सीटी लगाने के लिए चढ़ा दिया था और उस टाइम पर मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें ज़्यादा सीटी लग गई और थोड़ी सी लग गई दाल। तो वही कोकोमोले मेरा बचा हुआ था, थोड़ा अवाकाडो का पेस्ट घर वाला, उसको सैंडविच अगेन मैंने बना लिया है। साथ में ले ली शेक, शेक बिल्कुल फीका है, इसमें चीनी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ केला और दूध है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं, लेट्स गो, चलते हैं ऑफिस। तो कह तो रही हूँ, मैं आके बैठती नहीं हूँ, इनका शुरू हो जाता है। सो गाइस जस्ट अभी आई हूँ। आई नो क्या सुबह से नहीं मिली, ना लंच दिखाया, ना आपसे मुलाकात हुई, कुछ नहीं सुबह से बिल्कुल भी। सच बताऊँ तो बहुत बिजी थी आज, बहुत डे बिजी गया है मेरा, जिस वजह से ब्लॉग भी बहुत लेट आया, पहले अपलोड किया फिर कुछ पता नहीं क्या क्या दिक्कत हुई आज, बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली बहुत वर्क था, बहुत बिजी भी थी आज, तो कुछ भी ढंग से नहीं हुआ, वीडियो भी बहुत लेट आई आप लोगों के पास, बट इट्स ओके। आई नो आप सब जानते हो मैं वर्किंग हूँ और मेरे सामने मेरे पास कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं मिल पाती। लंच का आप लोगों को पता है कि मैं आज लंच में लेके गई थी अपनी किनवा खिचड़ी, किनवा मूंग दाल की खिचड़ी। सुबह थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। और जस्ट अभी आई हूँ घर पर, अभी बज रहे हैं 7, आज लेट हो गई हूँ आने में, तो बस अब 5 मिनट मेरी लाडू रानी ने मुझे दी पानी, मेरी बिटिया रानी ने मेरे लिए पानी लेकर आई। हाय बोल दो सबको, दी वो ओहो हाउ स्वीट।
थैंक यू दिव्या। चलिए गाइस, तो ये है डिनर टाइम और अभी मम्मी ने रात को मशीन लगाई थी, कपड़े शाम को धोए होंगे तो वो लगी हुई है। फिलहाल अब करने जा रही हूँ मैं डिनर। ये मेरा डिनर है। सो गाइस, दिस इज माय डिनर। थोड़ा सा राइस, दाल और राइस, देख सकते हो आप क्वांटिटी मेरी कितनी सी है। बस ये मेरा खाना है आज रात का और बाकी फिर हम सब फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर किया डिनर। अब मैं ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। बाय बाय, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।